कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से बीफ बर्गर बनाने की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 kg मशीन का कीमा ले लिया है। इसे मैंने वॉश करके बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 tablespoon जितना पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे। 1/2 tablespoon जितना सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 teaspoon पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 tablespoon जितनी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 tablespoon जितना ड्राइड पार्सले ऐड करेंगे। अगर आपके पास पार्सले अवेलेबल नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं बारीक चॉप करके। 1 tablespoon जितना मैदा शामिल करेंगे। 1/2 tablespoon जितना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1/2 tablespoon जितना वर्स्टेशर सॉस ऐड करेंगे। अब इन सब को अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। जी तो मिक्सिंग हमने इसकी अच्छी तरह से कर ली है। अब इसका हम 1 मुट्ठी जितनी इस तरह से पैटी बनाएंगे लेकर, और इसको प्रेस कर देंगे और इस तरह से इसकी एक पैटी नुमा सी शेप दे देंगे। इस तरह से हम सारी पैटी इस शेप में तैयार कर लेंगे। पैटी हमारी बनके रेडी है। अब हम इसे 1/2 hour के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अब हम बीफ बर्गर का सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ हमने 3 tablespoon जितना केचप लिया है और 4 tablespoon जितना मायोनीज लिया है। मायोनीज में 3 tablespoon जितना केचप ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 teaspoon मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो बर्गर का सॉस हमारा यहाँ बनके रेडी है। अब किसी भी पैन में, ये मेरे पास यहाँ ग्रिल पैन है, इसमें ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम रखनी है इसकी। अब हम इसमें 1 by 1 करके अपनी पैटी फ्राई करने के लिए डालेंगे। अच्छा जी, आपने इसको 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल टर्न नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है इसे कुक होने देना है, फिर हम इसे टर्न करेंगे। जी तो एक साइड से हमारी पैटी वो कम्प्लीटली फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे स्लो से तरह से टर्न करेंगे। अब दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरीके से कुक करेंगे। जी तो पैटी हमारी कम्प्लीटली फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे 1 by 1 किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक फ्राई पैन को हमने यहाँ गरम कर लिया है। इसमें हम, आप चाहे बटर घी जो आप पसंद करते हो वो ऐड करेंगे और इसे गरम कर लेंगे। और इसमें अपने बंस को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई मींस हल्का सा इसे कलर दे देंगे। बन को अच्छी तरह से सेक लेंगे इसमें। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम अपना बीफ बर्गर असेंबल करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमने जो सॉस तैयार किया था हमारा वो लगाएंगे इस पर। अब इस पर एक सलाद का पत्ता ऐड करेंगे। हमारी बीफ पैटी ऐड करेंगे। अगेन सॉस ऐड करेंगे।
तरह से कवर कर देंगे। साथ में हम केचप सर्व करेंगे इसके। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर ले में। आज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं कर ले, इतनी मेहनत से बनाते हो, आप लोग लाइक भी सब्सक्राइब नहीं करते जी। तो मज़ेदार सा बीफ बर्गर हमारा वेरी इजी और झटपट बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।